बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे लेकर इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के पुतले को गाड़ी से बांधकर घसीटा गया और बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए इस्कॉन के प्रभु चिन्मय को रिहा करने की मांग भी की है। बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। बीजेपी पर लगाए हिंदुओं के हित में आवाज नहीं उठाने के आरोप भी लगे हैं और कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने अनूठा प्रदर्शन किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और स्वामी चिन्मय जी को रिहा करने की मांग को लेकर इंदौर में कांग्रेस द्वारा बड़ा अनूठा प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पर बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है, उनके पुतले को गाड़ी से बांधकर घसीटा जा रहा है। इस तरह से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार एक आवाज़ मुंह से नहीं निकल रही है। हिंदुओं की हितेशी बनने वाली भारतीय जनता पार्टी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। आज हमारे हिंदू कितने प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, उसी के विरोध में मोहम्मद यूनुस जैसे लोग जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनकर निर्वासित प्रधानमंत्री को हटाकर खुद बनकर बैठे हैं, उनको हमने कड़ा संदेश दिया है कि भारत की जनता हमारे देश के हिंदू भाइयों को लिए जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, अगर उनके ऊपर कोई उत्पीड़न किया जाता है और चिन्मयानंद जी गिरफ्तारी नहीं तत्काल रिहा नहीं किया जाता है तो कांग्रेस तो सड़कों पर है और सड़कों पर रहेगी और केंद्र सरकार को जगाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है कि आप जागो कि वहाँ हिंदू क्यों प्रताड़ित हो रहा है। आप हिंदुओं के हितेशी बनते हैं और हिंदुओं की पार्टी बनते हैं। एक तरफ तो आप बोलते हैं कटेंगे तो बटेंगे नहीं, वो हमारा हिंदू कट भी रहा है और बट भी रहा है, तो उनको बचाइए कम से कम। केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है उसका विरोध करे, उसे रुकने में मदद कराए, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा अनूठा विरोध प्रदर्शन है और संभवतः इस तरह का देश में यह पहला प्रदर्शन है जहां हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश में मांग उठाई जा रही हो। अभी तक इस तरह के मामलों को लेकर कहीं से भी आवाज़ उठती नज़र नहीं आई। ऐसे में इंदौर सबसे पहला शहर यहां पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।